दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी मानो बवाल रोकने का नाम ही नहीं ले रही। चारों तरफ बवाल मचा है, कहीं पर पुतला जला दिया जा रहा है तो हनुमानगढ़ी के महंत ने कह दिया कि जहां पिक्चर लगे वहां थिएटर फूंक दो। प्रयागराज में विरोध देखने को मिला। अब सवाल यह है कि इतना ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है, ऐसा क्या गुनाह किया? तो एक वर कह रहा है कि देखिए गाना जो है बेशरम कहा जा रहा है और बेशरम रंग पर भगवा पहनना ये हिंदू धर्म का अपमान है, बॉलीवुड वाले हमेशा टारगेट करते हैं। दूसरा वर कह रहा है कि भाई कैटरीना कैफ ने भी तो पहना था अक्षय कुमार के साथ, रवीना टंडन ने भी पहना था, और भी एक्ट्रेस बिकनी पहनती हैं, तो ऐसे में दीपिका को टारगेट क्यों किया जा रहा है? हालांकि मध्य प्रदेश गृह मंत्री ने कह दिया कि दीपिका जी जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली हैं और ऐसे में पिक्चर लगे ना लगे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इस पूरे विवाद में जो एक बात मुझे समझ में आ रही है वो ये कि भारत में जैसे सियासी विचारधारा दो टुकड़ों में बटी है, ऐसे ही फिल्मों को लेकर बॉयकॉट भी दो टुकड़ों में बट गया है। लोग पिक्चर में कंटेंट से पहले नाम पढ़ लेते हैं। अक्षय कुमार की पिक्चर है तो लेफ्ट विंग वाले विरोध कर देंगे, कंगना के पिक्चर आ रही तो लेफ्ट विंग वाले विरोध कर देंगे। तो अगर शाहरुख खान, आमिर खान या दीपिका पादुकोण या कुछ ऋचा चड्ढा टाइप की एक्ट्रेस होगी तो उनको राइट विंग वाले कर देंगे। लेकिन इन सबके बीच में जो बाकी लोग होते हैं जिन्हों फिल्मों में इन्वॉल्व होते हैं, कभी सोचा नहीं हमने कि उनका कितना नुकसान होता होगा। और ये जो विवाद है भगवा बिकनी वाली, ये जायज है नाजायज है? हमें लगा एक बार हम आपसे समझ लेते हैं कितना सही लग रहा है आपको ये पूरा विवाद।